हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा पूरा बुद्धिज्म को, ए टू जेड कवरेज होंगे इसमें। तो आज हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस आपको सामने डिस्कस करूँगा वो सारे किसी ना किसी स्टेट की सेट एग्ज़ाम और UGC नेट की जो पिछले साल से क्वेश्चंस आ रहे थे उससे लिया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन के क्वालिटी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पहले पॉज करो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद आप हमारे साथ आंसर को देखें तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पिछले सेशन में जैनिज्म को ख़त्म किया था और आज हम लोग इस बुद्धिज्म को ख़त्म करवाऊंगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे और आप लोग ठीक से पढ़ाई शुरू कर दिया होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो उस कोड का चयन करो जो निम्नलिखित का सही क्रम बताता है। तो यह पर उपादान, तृष्णा, भव और जाति, तो इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 12 लिंक्स ऑफ कॉजल व्हील से लिया गया है और इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है कि द्वादश निदान, राइट। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से होगा कि तृष्णा, उपादान, भव, जाति, राइट। तो तृष्णा मीन्स बी पहले आएगा, उसके बाद आएगा उपादान, बी के बाद ए। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ चार ही दिया है और बाकी जो आठ द्वादश निदान है वो कौन कौन सा है तो एक बार मैं इन सभी को बोल देता हूँ। तो देखो पहले है अविद्या, उसके बाद आएगा संस्कार, उसके बाद आएगा विज्ञान, उसके बाद आएगा नाम रूप, उसके बाद आएगा षडायतन, उसके बाद आएगा स्पर्श, देन वेदना, देन तृष्णा, देन उपादान, देन भव, देन जाति और सबसे लास्ट में आएगा जरा मरण, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वलक्षणा अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज, तो बुद्ध के अनुसार स्वलक्षण क्या है। ऑप्शन ए इटर्नल, ऑप्शन बी रियल, ऑप्शन सी मोमेंटरी, ऑप्शन डी अनरियल। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा बुद्ध के अकॉर्डिंग स्वलक्षण है। तो फ्रेंड्स, बुद्ध दर्शन के अनुसार जो स्वलक्षण होगा वो रियल होगा और मोमेंटरी होगा, मीन्स परिवर्तन होगा, राइट। चेंजेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये इटर्नल है, राइट। तो इटर्नल और अनरियल ये दो डिलीट हो जाएगा। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मीन्स रियल एंड मोमेंटरी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज़ ए व्यू दैट सेल्फ इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट्स, हु होल्ड्स दिस व्यू। तो एक विचार है कि आत्मा केवल मनोदशाओं का समुच्चय है, ये दृष्टिकोण कौन रखता है। ऑप्शन ए नया एंड सांखो, ऑप्शन बी अर्ली बुद्धिज्म एंड वेदांता, ऑप्शन सी योगा एंड वैशेषिका, या फिर ऑप्शन डी ओनली अर्ली बुद्धिज्म। तो फ्रेंड्स, ओनली अर्ली बुद्धिज्म ने ये स्टेटमेंट्स रखा था कि देयर इज़ ए व्यू दैट सेल्फ इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट्स। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो निम्नलिखित में से किसका ईश्वर में विश्वास नहीं है। तो ऑप्शन ए ईश्वर कृष्ण, ऑप्शन बी कोनाद, या फिर ऑप्शन सी धर्मकीर्ति, या फिर ऑप्शन डी गौतमा। तो फ्रेंड्स, जो ईश्वर कृष्ण है वो तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, राइट। और सांख्य दर्शन तो गॉड के ऊपर बिलीव करता है, राइट। और ऑप्शन बी कोनाद ये तो वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है, राइट। तो वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर को बिलीव करता है। और ऑप्शन सी धर्मकीर्ति ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन डी गौतमा ये तो न्याय दर्शन से रिलेटेड है, राइट। तो न्याय दर्शन भी ईश्वर को एक्सेप्ट किया है। तो एक ही है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था और वो है ऑप्शन सी धर्मकीर्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट स्टेट्स द करेक्ट सीक्वेंस।
तो सही क्रम बताने वाला विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ऑप्शन बी में है मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा, ऑप्शन सी में है करुणा मुदिता उपेक्षा और मैत्री, और ऑप्शन डी में है मुदिता करुणा मैत्री एंड उपेक्षा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बुद्धिज्म से जो ब्रह्म विहार है उससे लिया गया है। तो ब्रह्म विहार का जो सही सीक्वेंस है वो है मैत्री करुणा मुदिता एंड उपेक्षा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ब्रह्म विहार का स्टेज नहीं है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लो, मैत्री करुणा मुदिता एंड उपेक्षा, ये चार बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ब्रह्म विहार है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उनात्मवाद इन बुद्धिज्म, तो बौद्ध धर्म के उनात्मवाद का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन बी द सोल इज नॉट द माइंड, ऑप्शन सी देयर इज नो सोल आफ्टर डेथ, या फिर ऑप्शन डी सोल इज एन एग्रीगेट ऑफ स्कंधास। तो फ्रेंड्स बुद्धिज्म के अनुसार जो अनात्मवाद है वो सोल इज एन एग्रीगेट ऑफ स्कंधास ये है। तो बुद्धिज्म ने फाइव टाइप्स ऑफ स्कंधास को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा था कि द सोल इज ए बंडल ऑफ द फाइव स्कंधास, और वो कौन कौन सा है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, राइट। ये सारे भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट एंटीसिडेंट कॉज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, तो बौद्ध मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुख का तत्कालिक पूर्ववर्ती कारण है। ऑप्शन ए भव, ऑप्शन बी अविद्या, ऑप्शन सी संस्कार, या फिर ऑप्शन डी जाति। तो फ्रेंड्स बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो इमीडिएट एंटीसिडेंट कॉज ऑफ सफरिंग है वो है जाति, राइट। तो जाति के बाद जरा मरण आता है और जरा मरण के बाद अविद्या, और फिर से ये साइकिल शुरू होता है। तो ये जाति है जो दुखों का तत्कालीन पूर्ववर्ती कारण है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच स्कूल और स्कूल्स अमंग द फॉलोइंग अफेल्ड द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इन बुद्धिज्म, तो निम्नलिखित में से किस स्कूल और संप्रदाय ने बौद्ध धर्म में बाहरी वस्तु की वास्तविकता की सही ठहराया। तो ऑप्शन वन माध्यमिका ओनली, ऑप्शन टू स्वतंत्रिका ओनली, ऑप्शन थ्री योगाचार ओनली, या फिर ऑप्शन फोर स्वतंत्रिका एंड वैभाषिका। तो फ्रेंड्स बुद्धिज्म की जो स्वतांत्रिक एंड वैभाषिक स्कूल है मीन संप्रदाय है, उन लोगों ने ये बाहरी वस्तु की जो वास्तविकता है उसको सही माना है। हम लोग आगे इस तरह के एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पर इसको और अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो सेट वन में है देहात्मवादा, आत्मदेह परिमाणवादा, नैरात्मवादा और नित्य आत्मवादा, और सेट टू में है वैशेषिका, जैन, बुद्धा और चार्वाका। तो चार्वाक फिलोसफी ने तो देहात्मवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट, देहो ही आत्मा है। तो ए को फोर से मिलाओ तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, टू एंड थ्री, राइट। अब आत्मदेह परिमाणवादा ये तो जैनिज्म ने एक्सेप्ट किया है, राइट। हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था जैनिज्म में कि सोल एक बॉडी साइज्ड है और बहुत सारे हैं। तो बी को टू से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन टू, राइट। आप देखो ऑप्शन सी नैरात्मवादा ये तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राइट, और नित्य आत्मवादा ये वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स बौद्ध दार्शनिक मनोमय में कौन एक सही अनुक्रम है, तो मनोमय एक कोश है, तो ये पंचकोष से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए अनियमित समाधि, अप्रनिहित समाधि और शून्यता समाधि, ऑप्शन बी अप्रनिहित समाधि, शून्यता समाधि, या फिर अनियमित समाधि,
ऑप्शन सी शून्यता समाधि, अनियमित समाधि, अप्रनिहित समाधि, या फिर ऑप्शन डी शून्यता समाधि, अप्रनिहित समाधि और अनियमित समाधि। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी शून्यता समाधि, अनियमित समाधि और अप्रनिहित समाधि। ओके, अब पंचकोष कौन कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष और लास्ट में है आनंदमय कोष, राइट। तो इसको एक बार कॉपी पे अच्छे से लिख लो। तो अन्नमय कोष ये फिजिकल बॉडी है और प्राणमय कोष इससे एनर्जी बॉडी है, इससे एनर्जी मिलता है, और मनोमय कोष इससे इमोशनल बॉडी है, राइट। और विज्ञानमय कोष ये विजडम बॉडी है और लास्ट में आनंदमय कोष ये ब्लिस बॉडी है, राइट। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित से सही क्रम व्यवस्थित करें। तो देखो, नाम रूपा, षड़ायतन, विज्ञान, वेदना, स्पर्श। तो ये तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो 12 लिंक्स ऑफ कॉजल व्हील दिया था उससे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी वैसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, पहले विज्ञान आएगा, उसके बाद नाम रूप आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर पहले सी उसके बाद ए, तो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन टू। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार देख लेते हैं। तो देखो, विज्ञान, नाम रूप, उसके बाद षड़ायतन, उसके बाद स्पर्श, उसके बाद वेदना, राइट। तो डी लास्ट में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, दिस व्यू इज हेल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कूल। तो बाहरी वस्तुएं है, तो ये मत निम्नलिखित में से किस बौद्ध मत का है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। वहाँ पर पूछा गया था कि हु अपहोल्ड्स द थ्योरी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर दिया है कि देयर आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेम ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन फोर, स्वतांत्रिक एंड वैवासिक, राइट। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका सिर्फ अलग है, बाकी आंसर तो एक ही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसर्शन में बोला है कि द बेसिक ऑफ बुद्धिज्म एज ए रिलीजियन आर द बुद्ध, द धम्म एंड द संघ। तो ये तो बिल्कुल सही कहा है, राइट। अब रीजन में क्या बोला है, द थ्री बेसिक फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी आर अनेका, असत्य एंड दुख। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। अब क्यों गलत है मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड आर डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, राइट। तो आप देखो यहाँ पर, तो इन बुद्धिज्म द थ्री मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस आर थ्री कैरेक्टर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस एंड बीइंग्स, नेमली इम्पर्मनेंस मीन्स अनिच्छा, नॉन सेल्फ मीन्स अनात्त, एंड अनसेटिस्फैक्टरीनेस और सफरिंग मीन्स दुख। तो ये बेसिक थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कॉपी पे लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the correct order in पतित्व समुत्पाद। तो पतित्व समुत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन ए संस्कार, षड़ायतन, विज्ञान और जाति, ऑप्शन बी उपादान, भव, जाति, अविद्या, या फिर ऑप्शन सी वेदना, तृष्णा, भव, जाति, या फिर ऑप्शन डी विज्ञान, नाम रूप, षड़ायतन और स्पर्श। तो फ्रेंड्स, ये तो द्वादश व्यंजन से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, राइट। और इसका जो सही क्रम है वो है विज्ञान, नाम रूप, षड़ायतन और स्पर्श। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रतित्व समुत्पाद ऑफ बुद्धिज्म क्लोजली रिजेंबल्स व्हिच थ्योरी ऑफ द उपनिषद। तो बौद्ध धर्म का जो प्रतित्व समुत्पाद थ्योरी है वो उपनिषद के किस सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। ऑप्शन ए साक्षी, ऑप्शन बी स्थायी भाव, ऑप्शन सी जगत एज मिथ्या, या फिर ऑप्शन डी वासना। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी वासना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड।
तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्मों के निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल दुनिया की वास्तविकता में विश्वास नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये दो बार देखा है कि वैवाहिक और स्वतांत्रिक ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब पॉसिबिलिटी है हिंजानो या फिर माध्यमिका, राइट? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है माध्यमिका। माध्यमिका ये शून्यवादी है, और ये जो हिंजन संप्रदाय है वो वैवाहिक और स्वतांत्रिक ये दो इसका पार्ट है हिंजन का, राइट? और महाजन जो संप्रदाय है उसका भी दो पार्ट है, वो है माध्यमिक और शून्यवाद, और एक है जो विज्ञानवाद और योगाचार, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बिलीव्स दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली नोन इन परसेप्शन एंड नॉट इन्फर्ड? तो बौद्ध धर्मों का कौन सा स्कूल मानता है कि बाहरी वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है और अनुमान नहीं लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है उसको एक्सेप्ट किया है वैवाहिक और स्वतंत्रिका ने, राइट? अब यहाँ पर देखो, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है वो डायरेक्टली नोन इन परसेप्शन एंड नॉट इन्फर्ड, तो इसको एक्सेप्ट किया है ओनली वैवाहिका ने, स्वतंत्रिका ने नहीं किया, राइट? इसको भी दिमाग में बिठा लो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉडरेट बुद्धा, मीन्स प्रचन्न बुद्धा? तो निम्नलिखित में से कौन उदारवादी बुद्ध मीन्स प्रचन्न बुद्धा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए महावीरा, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी शंकर, या फिर ऑप्शन डी चारवाका। तो देखो, यहाँ पर चारवाका, शंख और महावीरा ये तीनों तो किसी भी तरह से नहीं होगा, तो बचा कौन? सिर्फ शंकर। तो मॉडरेट बुद्धों के नाम से जाना जाता है शंकर को, तो इसको ध्यान में रखो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बुद्धिज्म? तो निर्वाणों के बारे में पूछा है, तो निम्नलिखित में से बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग निर्वाणों कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए निर्वाण कैन बी अचीव्ड ओनली इन दिस लाइफ, ऑप्शन बी निर्वाण कैन बी अचीव्ड बाय ओनली इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ऑप्शन सी निर्वाण कैन बी अचीव्ड बोथ इन दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, या फिर ऑप्शन डी निर्वाण कैन बी अचीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द तथागत। तो फ्रेंड्स, जो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग निर्वाणों को अचीव किया जा सकता है इस जन्म में भी, और मृत्यु के बाद जो जन्म होता है उसमें भी ये निर्वाणों को अचीव किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी निर्वाण कैन बी अचीव्ड बोथ इन दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी अविनाभाव रिलेशन इज बेस्ड ऑन, तो बौद्ध दर्शन में अविनाभाव संबंध किस पर आधारित है? ऑप्शन ए आइडेंटिटी नेगेशन और को एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन बी आइडेंटिटी कॉजालिटी और नेगेशन, ऑप्शन सी कॉजालिटी नेगेशन और को एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी कॉजालिटी आइडेंटिटी और को एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, जो अविनाभाव रिलेशन है वो आइडेंटिटी कॉजालिटी और नेगेशन पर बेस्ड है, राइट? तो बौद्ध दर्शन में अविनाभाव संबंध ये आइडेंटिटी कॉजालिटी और नेगेशन पर आधारित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वाण एज अंडरस्टैंड बाई बुद्धिज्म इंडिकेट्स, तो बौद्ध मतानुसार निर्वाण इंगित करता है ऑप्शन ए सेसेशन ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी सेसेशन ऑफ फ्रूट्स, या फिर ऑप्शन सी सेसेशन ऑफ सफरिंग्स, या फिर ऑप्शन डी सेसेशन ऑफ एक्शन। तो फ्रेंड्स, निर्वाण को तो हम लोग अचीव कर सकते हैं इस जन्म में और मृत्यु के बाद जो जन्म होता है उसमें भी, और जो निर्वाण है उसको अर्थ है कि सेसेशन ऑफ सफरिंग मीन्स दुखों से मुक्ति पाना, राइट? तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच इज नॉट ए स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय नहीं है बौद्ध दर्शन का? तो ऑप्शन ए माध्यमिका, ये तो बिल्कुल है, ऑप्शन बी पौराणिका, ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी वैवाहिका, ये भी है, और ऑप्शन डी स्वतंत्रिका, ये भी है,
और एक स्कूल आता है जो है योगाचार मीन्स विज्ञानवादी, राइट। तो ऑप्शन बी पौराणिका ये स्कूल नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेसेशन ऑफ सफरिंग इन बुद्धिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन द, तो बौद्ध धर्मों में दुखों की समाप्ति का वर्णन में किया गया है। तो ऑप्शन ए थर्ड नोबल ट्रूथ, ऑप्शन बी फर्स्ट नोबल ट्रूथ, ऑप्शन सी सेकंड नोबल ट्रूथ, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ नोबल ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने फोर टाइप्स का जो नोबल ट्रूथ है उसकी बात करी है, मीन्स आर्य सत्य की बात करा है। और जो फर्स्ट आर्य सत्य है वो क्या है, देयर इज सफरिंग मीन दुख है, राइट। और जो सेकंड नोबल ट्रूथ है वो कौन सा था, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, राइट, दुखों का कारण है। और थर्ड नोबल ट्रूथ में बोला है कि देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग मीन्स दुखों को निरुद्ध मीन्स समाप्ति किया जा सकता है, राइट, दुखों को समाप्ति किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कॉज ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो ये थर्ड नोबल ट्रूथ हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जो फोर्थ नोबल ट्रूथ है वो क्या है कि देयर इज ए वे लीडिंग टू दिस सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बुद्धिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, तो पता लगाए कि निम्नलिखित में से कौन अनुमान के बुद्ध वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट लिखा है तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं, तो सामान्यतः दृष्ट अनुमान, स्वभाव अनुमान, और अन्यथा नुपोपन्न अनुमान, और फोर में है अनुपलब्धि अनुमान। तो फ्रेंड्स, बुद्ध का जो क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान है उसमें से सामान्यतः दृष्ट अनुमान और अन्यथा नुपोपन्न अनुमान इसको इंक्लूडेड नहीं किया है। तो इंक्लूडेड कौन दोनों को किया है कि स्वभाव अनुमान और अनुपलब्धि अनुमान, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ अनुमान, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान के बौद्ध सिद्धांतों के बारे में सही है। तो ऑप्शन वन में दिया हुआ है कि हेतु इज त्रिलक्षणात्मक, ऑप्शन टू में है व्याप्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम तादात्म्य एंड तदुत्पत्ति, ऑप्शन थ्री में है अनुपलब्धि अनुमान इज ए वेराइटी ऑफ अनुमान, ऑप्शन फोर में दिया हुआ है असत प्रतिपक्षस्त इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ गुड हेतु। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा नहीं है, अगर आप लोगों ने ये ढूंढ लिया तो आपका ये आसान हो जाएगा कि कौन सारे है। तो देखो, जो असत प्रतिपक्षत्व तो है ये कंडीशन ऑफ ए गुड हेतु, तो ये बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है। ये तो न्याय दर्शन के अनुसार जो सद हेतु का जो लक्षण है उनमें से एक कंडीशन है असत प्रतिपक्षत्व, राइट। तो ऑप्शन फोर को एलिमिनेट कर दो। तो देखो, ए बी और डी ये तीनों तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा कौन, सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू बसुबंधु द रिपोजिटरी ऑफ ऑल मेंटल आइडियाज इज, तो बसुबंधु के अनुसार सभी मानसिक विचारों का भंडार कौन सा है। तो ऑप्शन ए विज्ञान स्कंध, या फिर ऑप्शन बी अपोह, या फिर ऑप्शन सी चेतासिका, या फिर ऑप्शन डी आलोय विज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आलोय विज्ञान। तो बसुबंधु के अनुसार सभी मानसिक विचारों का भंडार है आलोय विज्ञान। तो इसको अच्छे से कॉपी पर लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ब्लू कलर इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्लू, द स्टेटमेंट एक्सप्रेस द थ्योरीज ऑफ द, तो नीला रंग और कुछ नहीं बल्कि नीला रंग की चेतना है, ये कथन के सिद्धांतों को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए माध्यमिका, ऑप्शन बी योगाचारा, या फिर ऑप्शन सी वैभाषिका, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्रिका। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका जो कीवर्ड है वो है कॉन्शियसनेस। तो इसको जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी योगाचार विज्ञानवाद, राइट। तो विज्ञान मीन्स चेतना, आप लोग ये समझ लो।
तो द ब्लू कलर इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्लू, ये योगाचार संप्रदाय ने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म अभ्रांतम, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, तो प्रत्यक्ष कल्पनापोड़ो अभ्रांतम ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये प्रत्यक्ष का डेफिनेशन दिया हुआ है और इस डेफिनेशन को दिया है धर्मकीर्ति ने, राइट। तो धर्मकीर्ति ने कहा था कि प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म अभ्रांतम। अब दिग्नांग ने प्रत्यक्ष के बारे में क्या बोला है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध के अनुसार द्वादश निधन के कुछ चरणों का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन ए नाम रूप विज्ञान षडायतन स्पर्श, ऑप्शन बी विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श, ऑप्शन सी विज्ञान नाम रूप स्पर्श षडायतन, ऑप्शन डी षडायतन विज्ञान नाम रूप और स्पर्श। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विज्ञान नाम रूप षडायतन और स्पर्श, राइट। तो इसको हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। तो अब आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज एक्सेप्टेड बाय सम स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध दर्शन के कुछ संप्रदायों द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्वतः प्रामाण्य परत अप्रामाण्य, ऑप्शन बी स्वतः प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य, ऑप्शन सी परत प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य, या फिर ऑप्शन डी परत प्रामाण्य एंड परत अप्रामाण्य। तो फ्रेंड्स, बौद्धिज्म के जो कुछ स्कूल्स है जो ये मानता है कि परत प्रामाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य, और दोनों को परत स्वीकार किया है, वो कौन सा स्कूल? वो नैयायिका, राइट। तो परत प्रामाण्य एंड परत अप्रामाण्य को तो नैयायिक ने एक्सेप्ट किया है, और बाकी दो स्वतः प्रामाण्य परत अप्रामाण्य और स्वतः प्रामाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य, ये इसको कौन सा स्कूल ने एक्सेप्ट किया है आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज दोनों आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। तो हम लोग जैनिज्म में 20 क्वेश्चन और आज बुद्धिज्म में 30 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन को कम्प्लीट कर चुके हैं। अब सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिला तो ये सेशन और सीरीज दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।